हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से मियानी वाली लेडीज़ पेंट बनाने का तरीका। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। तो आज जो यहाँ पर मैं कटिंग बताने वाली हूँ वो बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग अलग अलग नहीं करेंगे, दोनों की कटिंग हमें साथ में करनी है और दोनों की कटिंग सेम ही होगी। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है और सबसे पहले हम नीचे की तरफ मोहरे का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं नीचे की ओर 2.5 यानी कि 2.5 इंच पर निशान लगा दूंगी। इतना फैब्रिक हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है मोहरी के लिए। तो यहाँ पर 2.5 पर इस तरह से पूरे में निशान लगा के हमें इसे सीधी लाइन में मिला देना है। तो अब यहाँ पर हम पेंट की लंबाई का निशान लगाएंगे जो है 35 इंच। तो हमें 35 इंच पूरा लेना है। तो इसमें हमें कोई सिलाई मार्जिन या कुछ और ऐड नहीं करना है, जितने आपकी लंबाई है उतने पे आपको निशान लगा देना है। तो ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं यहाँ पर एक एक बात का ध्यान रख के आपको ध्यान से सिखा रही हूँ, क्योंकि अगर बिगनर इससे पहली बार बना रहे हो तो उन्हें आसानी हो और कोई प्रॉब्लम ना आए बनाते वक्त। बनाने के लिए ऊपर की ओर 2 इंच पर मार्क लगाएंगे। इतना कपड़ा हमारे अंदर की ओर फोल्ड होगा और इसमें इलास्टिक लगेगा इसके लिए। तो 2 इंच पर निशान लगा के हमें इसे सीधी लाइन में ड्रॉ कर लेना है। तो अब यहाँ पर हम आगे के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा हिप मेजरमेंट है 44 इंच, तो उसका चौथाई भाग होता है 11 इंच। तो उसमें हम 4 इंच प्लस करके 15 इंच पर इस तरह से चौड़ाई का निशान लगा देंगे। हम दोनों पार्ट की कटिंग साथ में कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर 4 इंच का लूजिंग ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर 14 इंच कर देना है। और अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि मैं यहाँ पर मियानी ऐड करने वाली हूँ, तो इसके लिए मैं आगे हम जो 1.5 इंच क्रॉच एरिया के लिए बढ़ाते हैं वो नहीं बढ़ा रही हूँ और इसे बस इस तरह से बस स्ट्रेट लाइन में ही रख रही हूँ। अब सामने की तरफ भी मैं इस तरह से 14 इंच पर निशान लगा दूँगी और एक रफ लाइन ड्रॉ कर लूँगी ताकि आपको आसानी से समझ में आए इसके लिए। अब यहाँ पर इसकी चौड़ाई है 15 इंच, तो इसका हाफ हम कर देंगे और 7.5 इंच पर यहाँ पर बीच में निशान लगा देंगे और एक स्ट्रेट लाइन पूरे में ड्रॉ कर लेंगे मिडल में। तो अब यहाँ पर हम नीचे की ओर निशान लगाएंगे। तो मुझे यहाँ पर मोहरी की चौड़ाई रखनी है 6.5 इंच, तो उसमें मैं 1.5 इंच प्लस करके 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो मिडल पॉइंट से आपको दोनों तरफ 4-4 इंच पर निशान लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने जो भी मार्किंग की है वो सब मैंने सिलाई मार्जिन ऐड करके ही ली है। तो अब यहाँ पर इस तरह की कर्व शेप की पट्टी को लेकर हमें इस तरह से निशान लगा देना है। तो अब इसे पलट कर दूसरी साइड हमें रखना है। इसे इस तरह से नहीं रखना है क्योंकि अंदर की तरफ जो गोलाई है वो ज़्यादा है और इसकी वजह से हिप वाले पार्ट पर थोड़ा कॉर्नर पड़ सकता है इसलिए। तो हम जो बाहर वाली साइड है उसे रखते हुए हम इस तरह से निशान लगा देंगे और यहाँ पर जो ये थोड़ा सा कॉर्नर बना है
उसे इस गोलाई को इस तरह से रख के यहाँ पर थोड़ा राउंड जैसा ड्रॉ कर लेंगे। तो अब यहाँ नीचे की ओर इस साइड हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इस तरफ से हमें पार्ट को सिर्फ जॉइंट करना है। और यहाँ पर इस तरह से थोड़ी तिरछी लाइन लगाएंगे, क्योंकि इसे जब हम फोल्ड करेंगे तो कोई गैप ना हो इसके लिए। तो अब यहाँ पर क्रॉच एरिया का मेजरमेंट मैं आपको फिर से थोड़ा समझा देती हूँ कि यहाँ पर हमने आगे की ओर इस तरह से 1.5 इंच नहीं बढ़ाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे इस तरह से मियाँ नहीं लगे, तो दोनों की जरूरत नहीं लगाएंगे। तो अब यहाँ पर मियानी बनाने के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। तो अब इसकी चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच और लंबाई लेनी है 8 इंच। तो ऊपर लंबाई का निशान लगाने के बाद हमें दोनों मार्क्स को एक तिरछी लाइन में मिला देना है। तो अब यहाँ पर पॉकेट बनाने के लिए मैंने 2 फोल्ड कपड़ा लिया है, जिसकी चौड़ाई रखी है 7 इंच और लंबाई रखी है 12 इंच। तो ऊपर से इस तरह से कपड़े को सीधा कर लेना है और साइड में हमें इस तरह से कर्व की मदद से थोड़ी सी गोलाई दे देनी है। तो ये पॉकेट हमारा हो गया तैयार, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर कटिंग कंप्लीट हो गई है, हमने चारों पीस में से एक पीस ले लिया है और इसकी क्रॉच एरिया वाले साइड पर हम मियानी को कुछ इस तरह से रखते हुए लगेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मियानी को हम एक पार्ट पर जॉइंट कर लेंगे और फिर दूसरा पीस लेके इसे ऊपर से हमें सिलाई लगाते आना है। और यहाँ पर प्लीट्स ना इस तरह से थोड़ा ध्यान से सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमारे दोनों साइड पर मियानी अटैच हो जाएगी और ये एक फ्रंट वाला पार्ट तैयार हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें पॉकेट लगाना है, तो उसके लिए हम पहले निशान लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इलास्टिक और पॉकेट दोनों साथ में लगाने हैं इसके लिए। तो सबसे पहले मैं ऊपर की ओर 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, तो 1 इंच का हमारा इलास्टिक होगा और 1/2 इंच फोल्ड में जाएगा। और नीचे फिर से मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, तो इलास्टिक इतनी गैप में पास होगा। तो यहाँ पर हमें पॉकेट की मार्किंग नहीं करनी है और इसके नीचे से हमें इसकी मार्किंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर पॉकेट की लंबाई मैं रख रही हूँ 6 इंच और चौड़ाई रखनी है हमें 1/2 इंच। और यहाँ पर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर मैंने जो पॉकेट की कटिंग की थी उसे मैंने ले लिया है और इसे इस तरह से उल्टी साइड में मैंने रख दिया है। तो अब हम इसे ऊपर वाली जो हमने लाइन बनाई है उसके अंदर थोड़ा जाने देंगे, ताकि जब ये फोल्ड होगा तो उसकी ऊपर वाली जो किनारी है वो ऊपर से बंद हो जाएगी इसके लिए। और बाकी हमने जो मार्किंग की है इसे हमें पॉकेट पर इस तरह से फिर से सेम मार्क कर लेना है।
तो यहाँ पर जो ये निशान लगा है इसकी तीनों साइड हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद ये जो दोनों तरफ कॉर्नर बनते हैं वहाँ पर हमें कट लगा देना है और इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। तो अब इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देनी है। और अब हम यहाँ पर जो पॉकेट है उसे इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे और नीचे से यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसे बंद कर देंगे। तो यहाँ पर नीचे हमें कुछ इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर ये पॉकेट तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर आधा इंच के गैप पर हम बैक वाला जो पार्ट है इसे अटैच करेंगे। हमने जो पॉकेट बना है उसके ऊपर नहीं रखना है वरना पॉकेट खुलेगा नहीं, इसलिए तो यहाँ पर किनारे पर एकदम ध्यान से हमें सिलाई लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं दूसरी वाली यानी कि बैक वाले पार्ट पर इस तरह से किनारी पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर पॉकेट और मियाने का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इलास्टिक लगाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऊपर से आधा इंच की पट्टी फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद हम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आधे इंच की पट्टी फोल्ड करते हैं। तो अब यहाँ पर ऊपर पट्टी और इलास्टिक का मेजरमेंट ले लेंगे कि इसकी चौड़ाई कितनी है। उससे हमें थोड़ा सा ज़्यादा रखते हुए इसके ऊपर पहले पूरे में सिलाई लगा देनी है। ये करीब 1.25 इंच है तो हमें 1.25 इंच की पट्टी पूरे में फोल्ड करनी है। तो अब यहाँ पर पॉकेट को इसके अंदर ले लेना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और पीछे की तरफ इस पर सिलाई ना आए इस बात का खास ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर लास्ट में हमें इतनी गैप छोड़ देनी है, इसके अंदर से हम इलास्टिक पास करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पर मैंने 30 इंच लंबा इलास्टिक लिया है और इसके एक एंड पर सेफ्टी पिन लगा दी है और अब हम इसे इस होल में से पास करेंगे। अब यहाँ पर इसके दोनों एंड्स को मिला देना है और इसके ऊपर सिलाई लगा के इसे अच्छे से जॉइंट कर लेना है।
तो अब इलास्टिक को अंदर की तरफ ले जाना है और ये हमने जो गैप छोड़ी थी इसके ऊपर सिलाई लगा के इसे बंद कर लेना है। फिर इसके ऊपर हम खींचते हुए सिलाई लगा देंगे। इलास्टिक को खींचना है और फिर सिलाई लगानी है, तो इससे अच्छे से ये पॉकेट के साथ इलास्टिक हमारा कंप्लीट हो। तो अब यहाँ पर हम नीचे मोहरे की तरफ जाएंगे और यहाँ पर जो ये कपड़ा थोड़ा अनइवन हुआ है पहले इसे हम कट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर नीचे हम 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे और फिर यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इतने मोहरी हमें फोल्ड करनी है कुछ इस तरह से। तो पहले दोनों साइड में कट लगा दूंगी। तो यहाँ पर पहले 1/2 इंच जितना फोल्ड करना है और फिर 2 इंच की पट्टी हमें फोल्ड करनी है। और देखिए हमने साइड में तिरछी लाइन बनाई थी तो इस साइड से कितना प्रॉपर आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर हम नीचे से इसे अब हम जॉइंट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर मोहरे की चौड़ाई रख रहे हैं 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पर निशान लगा के हमें पूरे में सिलाई लगा के इसे जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर ये बहुत ही आसान तरीके से एक सुंदर लेडीज पेंट बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक के साथ पॉकेट लगाकर और मियानी लगाकर ये पेंट तैयार की है। ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।